मैं एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं, और मेरे आनंदन के मित्रों का आग्रह भी था और मैं भी चाहता हूं। एक ऐसी शख्सियत जो हमारे शहर में है, जो कला और संस्कृति से बहुत प्यार करती हैं, सब आप जानते हैं, उनका एक रूप है, वो गीत भी लिखते हैं, और हम भी लाभान्वित होना चाहते हैं ऐसे व्यक्तित्व से, ऐसी शख्सियत से, जिनको आप हर कला और संस्कृति के मंच पर देखते रहे हैं, हमारे बड़े हैं, और उनके गीत हमें सुनने भी चाहिए। मैं चाहता हूं आप नहीं, मेरे कवि मित्र भी देखें कि मेरे नगर में एक गीतकार किस तरह से गीत लिख रहा है। मैं बिना किसी भूमिका के आदरणीय कमलेंद्र जी झा साहब से अनुरोध करता हूं, आप तालियां बजाएं आदरणीय कमलेंद्र झा साहब के लिए। मंचासीन देश के गणमान्य गीतकारों को सादर प्रणाम। मेरे शहर के कई मेरे आदरणीय और सुधी श्रोताओं को प्रणाम करते हुए एक गीत की कुछ पंक्तियां हाजिर कर रहा हूं। स्वागत है। फिर पतझरनी आ घेरा है, फिर कांटे उभरे, टूट चले हैं सहते सहते, टूट चले हैं सहते सहते, फूलों के नखरे, फूलों के नखरे, के अंबर में किरणों की उलझन, और सांसों पर सुधियों के बंधन, के अंबर में किरणों की उलझन, सांसों पर सुधियों के बंधन, कटा कटा सा चंदा नब में कब तक यूं विचरे। मैदानों सा विस्तृत मन है और छोटा सा घर का आंगन है, मैदानों सा विस्तृत मन है, छोटा सा घर का आंगन है, अभिलाषाओं पर बैठी मजबूरी हाथ धरे, फूलों के नखरे, कि इच्छाओं को नींद आ गई, इच्छाओं को नींद आ गई, आस समय से मात खा गई, इच्छाओं को नींद आ गई, आस समय से मात खा गई, और जीवन के टूटे तारों से कैसे सुर उभरे, और फूलों के नखरे, के बड़ी दूर है प्रियतम का घर, बड़ी दूर है प्रियतम का घर, और छलक छलक जाती है गाग, बड़ी दूर है प्रियतम का घर, छलक छलक जाती है गागर, कब तक आखिर चलते जाए सब साथी बिसरे, तो फूलों के नखरे, आंसू बहकर रुक जाते हैं, कि आंसू बहकर रुक जाते हैं, सारे रिश्ते चुक जाते हैं, और खुश्क हुई पलकों में बादल कब तक नीर भरे, फूलों के नखरे, फिर पतझरनी आ घेरा है, फिर कांटे उभरे। बहुत बहुत धन्यवाद। अवस्था के हिसाब से अब मैं उस तरह नहीं पढ़ पाता हूँ जैसे पहले कभी पढ़ता था, फिर भी आपने मुझे सुना, थैंक यू। बहुत सुंदर गीत झा साहब ने प्रेम का गीत सुनाया, लोगों को बड़ा मजा आया, आप बड़े हैरान से थे, लेकिन याद हैं, स्मृतियां हैं, और देखिए शब्द का चित्रांकन भावों से उतरकर जब आता है तो आपके मन तक पहुंचता है। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं झा साहब इसलिए भी कि आपने एक अच्छा गीत पढ़ा
और इसलिए भी कि नगर को आप एक परंपरा संस्कृति सौंप रहे हैं, इसलिए आप हमारे अग्रज हैं। एक बार इनके सम्मान में सभी लोग समवेत तालियां बजाएं।